अभी बहुत तेज़ तूफान आया, बहुत तेज़ नहीं, तेज़ तूफान आया है, बारिश अभी हुई है, बहुत धूप उड़ रही है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, आपको पता ही चल रहा होगा आवाज़ सुन के, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया। वैसे यहाँ पे बहुत ही कड़कती फड़कती इतनी गंदी वाली गर्मी थी ना, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा जो है ना लग रहा है, इतना ब्लर क्यों आ रहा है पता नहीं, मेरा फ़ोन कुछ हो गया है। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती है, लाइट चली जाती है, इसीलिए मैंने फ़ोन अपना चार्ज पे दिया है, ज़रा पहले 100% फुल चार्ज हो जाए उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार लाइट गई कम से कम 2 घंटा नहीं आएगी, इसीलिए फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ। तो चलिए बाद में मिलते हैं, बहुत ही अच्छा तूफ़ान आ रहा है, मतलब कल मम्मी ने फ़ोन करा था तो मम्मी ने बताया कि वहाँ पे कल तूफ़ान आया था, बारिश हुई बहुत, आज यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए चल देखते रहिए आज का व्लॉग, बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। गाइस जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, बारिश शुरू हो गई और लाइट चली गई, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। और मैंने आपको दिखाया था ना तिल, वही तिल सब छत पे हमारे सूख रहे थे, सब भीग गए चाचा चाची। तो गाइस गर्मी की कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा फ़ोन में चार्ज 99% हो गया तभी लाइट गई है, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन ये लाइट क्यों चली गई, क्या फ़र्क पड़ता है लाइट को, मौसम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इतनी प्यारी हवा चल रही है और फिर बारिश भी हो रही है और सुनाई भी आ रहा होगा आपको, बादल भी गरज रहे हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। तो गेट लगा देती हूँ, इधर कोई नहीं रहेगा ना, मैं उधर जा रही हूँ कमरे, खिड़की दे देती हूँ वरना बारिश का पानी आके सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा। चलो गाइस चलते, ये था ये से रहने, इधर कोई नहीं रहेगा, इधर चलते हैं। की गाइस देखो छत से तिल को यहाँ पे, छत के तिल तो छत पे ही हैं, यहाँ पे और भी ज्यादा तिल दिए हैं, पूरा हॉल ही हमारा सेकंड फ्लोर का हॉल है, पूरा हॉल में तिल ही तिल, पूरा पानी पानी हो गया है। ये डाइनिंग टेबल है, ये नीचे रहता है था, फिलहाल ऊपर आ गया है, ये आलू ऊपर, ये हमारा एक और कमरा है, ये सेकंड फ्लोर का इधर वाला कमरा है, ये एक और वॉशरूम, ठीक है, एक वो वाला वॉशरूम है इधर, ये जो दिख रहा है सामने, और उसके ठीक नीचे एक और वॉशरूम, टोटल 3 वॉशरूम है, लेकिन ये वाला भी चालू नहीं है, ऊपर के वो वाला और उसके नीचे वाला वो दोनों चालू हैं। ये हमारा बालकनी का दरवाज़ा है,
रेड कलर, ये ब्लैक कलर और रेड कलर क्यों बिठाया मुझे पता नहीं है। ये है प्रीति दीदी का घर, मैं जब बोलती हूँ। चलो भाई यहाँ पे बंद कर देते हैं। देखो सारा आज नेहा के साथ बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। नेहा ये है एक वॉशरूम, इसके नीचे एक वॉशरूम, ऊपर ऊपर नहीं जाना बारिश होगी। तो गाइस एट लास्ट मैं यहाँ पे इस वाले कमरे में आके बैठी हूँ। यहाँ पे फिर भी थोड़ी हवा चल रही है, बाहर जाओ, पड़ोस के घर में नहीं जाना चाहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, बारिश करने चले हैं, बारिश बंद हो चुकी है और लाइट आ चुकी है। हाँ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। नेहा भी चाय बना रही है, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट अंकल आए हैं उनके लिए। ये मैगी खाने से तुली पड़ी है। मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया, अभी भी बारिश हो रही है। देखो बारिश हो रही है। यूपी बनानी है, पानी कहाँ है गाइस? गलती से मुझसे इसमें पहले ही थोड़ा सा मसाला गिर गया यूपी का। मैं पैकेट को फाड़ने गई ना तो फिर मैंने गाइस लगता है हमारा मसा नूडल से वो। अरे गिर जा भाई, कैसा अजीब सा मसाला है इसमें। दूसरा भी डाल देती हूँ। इससे और सिर्फ बढ़िया हवा चल रही है। गाइस ये बोलते हैं इसे वेजिटेबल चॉप, बहुत ही टेस्टी होता है। इसके साथ मिलता है सलाद और पापा भी चॉप खा रहे हैं। वो रहा चॉप, मैंने कहा था मुझे वेजिटेबल खाना है, इसलिए पापा चॉप भी लाए हैं और वेजिटेबल भी लाए हैं मेरे लिए। बहुत ही टेस्टी होता है भाई। तो नेहा जो है ना चाय बना रही है, नहीं मतलब मैंने एक कप पहले पापा को बना के दे दिया है, बाकी की चाय सुपुत्री नेहा जी बना रही हैं, मेरी चाचा चाची की। ये ब्लैक टी नेहा के लिए, मिल्क टी मेरे और पुचकू के लिए, बाकी के दो ब्लैक टी चाचा चाची को हम दे आए हैं। चलिए चाचा चाची से जानते हैं चाय का रिव्यू। ये पता है क्या है? ये है तिल, जो पेड़ में मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाए थे, आज इन्हें झाड़ के सुखा लिया क्योंकि बारिश हो रही थी तो मंगे के नीचे ही डाल दिया। चाचा आपको कैसा लग रहा है ये चाय? बहुत बढ़िया, चाय और चॉप। ओके चाची आपको कैसा लग रहा है ये चाय? ओके आपने चॉप नहीं लिया क्यों? ओके तुम्हारा क्या है भाई? कब खा रहा हूँ मैं? अच्छा तुम अडॉप्टेड हो क्या? अडॉप्टेड, तुम्हें कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए थे।
सच में बचपन में नेहा से पूछो तुम कचरे के डब्बे में पड़ी थी तो हम उठा के लेके आए। तुमने मेरा बचपन देखा है, मैंने तुम्हारा बचपन देखा है। गाइस मैंने आपको ये दिखाया है कितने क्यूट है। रुको नेहा फोटो शूट करती कर रही है अभी। इतने क्यूट है नहीं, ये 20 रुपीज का है एक, बहुत ही क्यूट है। किचक किचक सो क्यूट। चुन्नू मुन्नू ढुन्नू कैसा है नाम नेहा? ए चुन्नू मुन्नू ढुन्नू। गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं किधर से दिखाऊं, इधर से किधर से किधर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाली गोली चौकी। पुछ कुछ जित पर बैठी है उसे भी मेले में लेके जाना है, लेकिन हम दोनों जा रहे हैं, मैं और नेहा। नहीं लेके जाना है उसे, कहीं से पता चल गया कि हम लोग मेले में जा रहे हैं। पर्स ले लेती हूँ। गाइस ये देखिए, ये है बादाम, ये है बादाम, दीदी भी छील रही है कच्चा बादाम। काका दूटो कुए बोले टाको खाते नहीं कच्चा बादाम। बड़े बड़े तिल का चार्ज हुआ है, अब बादाम का भी चार्ज हुआ। मेरे चाचा खेती बाड़ी ज्यादा पसंद करते हैं सोने के काम से। कितना प्यारा है, लेकिन अभी ज्यादा रात नहीं हुई, अभी 7 बज रहे हैं। प्यारा सीन है। गाइस हम मेले में आ चुके, इस मेले का नाम है चाइना मेला। गाइस ये वाला मेला ना बहुत ही बड़ा है, जिसमें हम पिछली बार गए थे उससे भी बड़ा है। गाइस ये है कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड एग रोल। गाइस अब हम मेले को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ। बाय, कितना बड़ा है ये।